स्तन कैंसर जागरूकता शिविर का निःशुल्क आयोजन शहर के महिलाओं के लिए दक्षिण नागपुर के राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल में किया गया, जिसका लाभ शहर के अलावा राज्यों से आए महिलाएं बड़ी संख्या में ले रही है। इस शिविर को सफल बनाने के लिए राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल तमाम तज्ञ डॉक्टर की टीम अच्छा काम कर रही है। पेश है हमारे संवाददाता संजय मिरे, इनकी ये स्तन कैंसर जागरूकता माह के मद्देनजर जो अक्टूबर महीने में आता है, राष्ट्र संत तुकड़ोजी कर्क रोग हॉस्पिटल सभी कार्य दिवसों में अस्पताल परिसर में निशुल्क जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है। द ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस माह हर अक्टूबर में दुनिया भर के देशों में चिन्हित किया गया है, जो इस बीमारी के प्रति जागरूकता, जल्दी पता लगाने और उपचार के साथ साथ उपचार के लिए ध्यान और समर्थन बढ़ाने में मदद करता है। हर साल स्तन कैंसर से लगभग 13,97,000 नए मामले, 4,58,000 मौतें होती है। स्तन कैंसर दुनिया भर में महिलाओं में सबसे आम कैंसर है। दोनों विकसित और विकसनशील देशों में, निम्न और मध्य आय वाले देशों में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, शहरीकरण में वृद्धि और पश्चिमी जीवन शैली को अपनाने के कारण पिछले वर्षों में घटना लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में स्तन कैंसर के कारणों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है, इसलिए रोग का जल्द पता लगाना स्तन कैंसर नियंत्रण की आधारशिला बना हुआ है। जब स्तन कैंसर का जल्द ही पता चल जाता है और यदि पर्याप्त निदान और उपचार उपलब्ध है, तो एक अच्छा मौका है कि स्तन कैंसर को ठीक किया जा सकता है। यदि देर से पता चलता है तो क्यूरेटिव उपचार अक्सर एक विकल्प नहीं होता। ऐसे मामलों में रोगियों और उनके परिवार की पीड़ा को दूर करने के लिए उपशामक देखभाल की आवश्यकता भी होती है। PBCR HBCR के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ICMR के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्रियों में कार्यक्रम के तहत काम करते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 10,000 से अधिक नए स्तन कैंसर रोगियों का निदान किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में 30 में से एक और 30% से अधिक स्तन कैंसर है। आयुमानीकृत घटना दर 6.2 से 39.5 प्रति 10,000 भारत की महिलाएं है। प्रतिवर्ष 0.5 से 2% की वृद्धि में देखा गया है। इस सभी आयु वर्गों में भारत के क्षेत्र में कम उम्र के समूह में अधिक देखा गया है। पश्चिमी काउंटर भागों की तुलना में भारत में एक दशक पहले सामान्य स्तन कैंसर होने की सूचना मिली है। भारत में प्रीमेनोपॉजल रोगियों में पश्चिमी देशों के विपरीत लगभग 50% रोगी है। 80% से अधिक रोगी 60 वर्ष से कम आयु के हैं। भारत में लगभग 18 से 20 रोगी 35 वर्ष से कम आयु के हैं। युवा आयु समूह गरीब समग्र अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। उनके पास बड़े ट्यूमर, खराब ग्रेड, ट्रिपल नकारात्मक कैंसर है। हम राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज कैंसर अस्पताल में, हम आपको बता दें कि दुनिया भर में कैंसर के कई ऐसे पेशेंट हैं और कैंसर आखिरकार होता क्यों है, इन बातों को लेकर आज इनविजन की टीम कैंसर अस्पताल पहुंची है, जहां पर स्तन कैंसर का एक जो आयोजन किया जाता है हर वर्ष प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी किया जा रहा है और जिसका लाभ कई कैंसर के पेशेंट ले रहे हैं। ऐसे कैंसर का निदान करने के लिए और कैंसर की रोकथाम करने के लिए शहर के बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर की टीम इस समय हमारे साथ में राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज अस्पताल में मौजूद है। आइए उनसे जानना चाहेंगे, लेकिन दर्शकों ये कहते हैं सबसे पहले कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपको भी लेना है, हमें भी लेना है और पूरे समाज को लेना है। तो सीधा रुक करते हैं उनके पास और जानना चाहेंगे उनके और डॉक्टर सेन गुप्ता साहब इस समय हमारे साथ में मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। सर ये बताइए कि ये आयोजन करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए इस महीना में ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस मंथ के हिसाब से पूरे विश्व में माना जा रहा है। तो इस अस्पताल में हम लोग भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी डिटेक्ट हो जाए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंटिव नहीं होता। तो हमारे अस्पताल में पूरी सुविधा है और हमारे अस्पताल में विशेष करके जैसे बहुत सारी सरकारी स्कीम है, बेसरकारी स्कीम है, जिसमें से मरीज को काफ़ी मदद किया जाता और पेशेंट को, गरीब लोगों को पर्टिकुलरली अच्छे से अच्छा इलाज, बेस्ट इलाज मिल जाता। यहाँ पे पेशेंट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तो है ही, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, UP से भी आते रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये अस्पताल इतना पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट होते हैं उनकी अच्छी सेवाएं होती है। इस समय में डॉक्टर चांदे साहब भी मौजूद है। चांदे साहब ये बताए कि जब पेशेंट आता है तो बड़ी दुख भरी दास्तान लेके आता है, जब जाता है हंसते हुए जाता है, ऐसे ही जो बीच का जो समय जो रहता है, किस प्रकार का ट्रीटमेंट, किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन उनके साथ होता है? हेलो नमस्कार, देखिए ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है तो मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताना चाहूँगा।
पेशेंट जब आता है तो ब्रेस्ट कैंसर का मुख्य लक्षण है स्तन में गांठ होना। और होता क्या है, स्तन में गांठ होने के बावजूद महिला को ऐसे लगता है स्तन में गांठ है लेकिन उसकी कोई तकलीफ नहीं है, मुझे उसका दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है, तो बहुत घर पे ही वो काफ़ी समय गवाती है या फिर इन्हें दुर्लक्ष करती है और लेट स्टेज में बहुत बार गांठ बढ़ने के बाद कैंसर हॉस्पिटल में आती है। तो आने के बाद उसका डायग्नोसिस है, फिर ट्रीटमेंट है, वो सब चीज़ें होती है। और अगर ब्रेस्ट कैंसर स्टेज वन में अगर डायग्नोस्ड होता है, स्टेज वन, क्योंकि आपको पता होगा कैंसर की स्टेज है 1, 2, 3, 4, तो स्टेज वन में जो वेस्टर्न वर्ल्ड में स्टेज वन या स्टेज जीरो बोलूँगा, जीरो इसलिए क्योंकि मैमोग्राफी नाम की जो मशीन है जिससे हम लोग हाथ को न लगने वाली गांठ को भी डायग्नोस कर सकते या उसको ढूंढ सकते, वो है मैमोग्राफी। तो जब मैमोग्राफी का जो स्क्रीनिंग है वो ज़रूरी है, तो पेशेंट जब यहाँ आता है तो बहुत बार स्टेज बड़ी हुई होती है, तो हमें ध्यान रखना है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, ये बताइए कि जिस तरह से ये जो जिस प्रकार के ये पेशेंट आते हैं उनमें क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं खासतौर पर? ब्रेस्ट कैंसर का सबसे कॉमन लक्षण है कि स्तन में गांठ होना जो दर्द रहित होती है, तो इससे गठान अगर बढ़ती जा रही है साइज में एक पर्टिकुलर एज के बाद में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर हो। इसीलिए जो स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स हैं उसके हिसाब से इसे हमें स्क्रीन करना चाहिए। अर्ली डिटेक्शन इज इक्वल टू क्योर। कैंसर जो कि अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है उसी में क्योर में सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो यही इसके लक्षण है, दर्द रहित गठान स्तन में होना या बगल में होना। दर्शकों, देखा कि चौधरी साहब ने जिस प्रकार से ये जो बयां किया कि किस प्रकार के इसके जो सिम्टम्स यानी लक्षण जिसे कहते हैं किस प्रकार के होते हैं, उसका अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। इस समय में डॉक्टर देशमुख साहब भी हमारे साथ में। देशमुख साहब, क्या कहता है आपका तजुर्बा? ये सभी पेशेंट्स जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और उनको ब्रेस्ट के बारे में कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स रहती है, और जैसे डॉक्टर चौधरी और डॉक्टर साहने ने बोला है, उनको गठान रहती है या कोई प्रॉब्लम्स रहते हैं या डिस्चार्ज रहते हैं या सम डिस्कम्फर्ट इन एक तो ब्रेस्ट में रहता है नहीं तो काख में रहता है, तो ये सब चीज़ इन्वेस्टिगेट होने के बाद में, प्रॉपर उसका डायग्नोसिस होने के बाद में उसका मेनली कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब कैंसर के ट्रीटमेंट में ऐसा है कि मैक्सिमम ब्रेस्ट कैंसर में मेन स्टे है ट्रीटमेंट का ऑपरेशन। अब ऑपरेशन में कॉन्जर्वेटिव ब्रेस्ट मैस्टेक्टोमी यानी जिसमें महिला ऑपरेशन करने के बाद में भी कैंसर के बारे में ऐसा महिलाओं के बीच में है कि भाई कैंसर के लिए ऑपरेशन यदि करते हैं तो अपन ब्रेस्ट पूरी अपने शरीर से निकाल देते हैं, तो ऐसा न होते हुए गए 25 साल में ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन भी चल रहा है जिसमें ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी करने से महिला का जो ब्रेस्ट है वो ब्रेस्ट कॉन्जर्व करके भी अपन कैंसर की ट्रीटमेंट कर सकते, वो एक अनोखा तरीका गए 25 साल से है। और फिर दूसरा, कैंसर ब्रेस्ट में मेन ऑपरेशन जो समझ लीजिए 100 साल से चल रहा है जिसमें पूरा ब्रेस्ट टिश्यू एनाटॉमिकली पूरा निकाला जाता है, जिसमें ब्रेस्ट का मसोड़ा और काख में की गठाने ये सब एक साथ निकाली जाती है, इस टाइप का कैंसर का मेनली ऑपरेशन किया जाता है। और फिर उसके बाद में उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट करने के बाद में उसके जो भी फाइनल पैथोलॉजिकल स्टेजिंग होता है उस हिसाब से वो पेशेंट को कीमोथेरेपी या रेडिएशन, इस टाइप का एडजुवेंट ट्रीटमेंट हम इसको बोलते हैं, वो दी जाती है। और इसमें से डिपेंड्स ऑन पेशेंट स्टेज, वो पेशेंट पैथोलॉजिकली पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज वन में है या टू में है, थ्री में है, फोर में, उस हिसाब से सर्जरी के अलावा कैंसर को कीमोथेरेपी, रेडिएशन और हार्मोन थेरेपी, इस टाइप की ट्रीटमेंट दी जाती है जिसके कारण पेशेंट क्योर हो सकता है। बिल्कुल, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि डॉक्टर की तज्ञ टीम जो यहाँ पे मौजूद है इस समय में हमारे साथ में, राष्ट्रसंत तुकड़ी अस्पताल के प्रमुख सर्वेश्वरा वाकुड़े साहब है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि पेशेंट जैसे कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, तमाम स्टेट के लोग यहाँ पे पेशेंट आते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि ऐसे लोग जब बाहर में जब इलाज करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, आपके अस्पताल में उन्हें क्या सुविधाएं दी जाती है? हमारे अस्पताल में पेशेंट को बिल्कुल माफिक खर्चे में, जैसे गवर्नमेंट की जो योजना है, प्रधानमंत्री योजना है या महात्मा फुले नई योजना है, इस योजना के मार्फत उनको सेवाएं दी जाती जिसमें उनको कोई खर्चा नहीं आता। और जिन पेशेंट के पास ये कार्ड नहीं होता या ये कोई भी स्कीम में नहीं बैठते उनको भी बहुत रिजनेबल रेट में सेवाएं दी जाती है। अगर पेशेंट के पास कोई कार्ड भी नहीं है और बाकी स्कीम में भी नहीं बैठता तो फ्री भी उनको सेवाएँ दी जाती है। बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रसंत टुकड़े जी महाराज
एक ऐसे उनको राष्ट्र संत इसलिए कहा गया है कि उनके जो कामकाज थे काफी सराहनीय है और पूरे देशवासियों को उनसे सीख लेना चाहिए, क्योंकि आज राष्ट्र संत के विचारों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और ऐसे राष्ट्र संत टुकड़े अस्पताल में हम आए हुए हैं अभी समय में, हमारे साथ में डॉक्टर प्रशांत भी मौजूद है। प्रशांत जी, ये बताए आपकी क्या प्रतिक्रिया इस तमाम शिविर के बारे में? ये जो है कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में या स्तन कैंसर के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने हर साल की तरह इस साल भी आयोजन किया हुआ है। मैं थोड़ा सा इस पे एक प्रकाश डालना चाहूँगा कि जैसे स्तन कैंसर है उसके तीन प्रकार की मुख्य ट्रीटमेंट होती है, जैसे कि सर ने बताया कि मुख्य ट्रीटमेंट सर्जरी है, उसके बाद में हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट जो आती है, उसके बाद में कीमोथेरेपी और अगर ज़रूरत पड़े तो रेडिएशन देने की जरूरत पड़ती है। इस अस्पताल में आने के बाद मरीज की काफी अच्छी देखभाल होती है। डॉक्टर बी के शर्मा साहब जो कि काफी तजुर्बेगार ऐसे तज्ञ है, चलिए उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष कैसा रिस्पांस रहा शिविर के आयोजन को? रिस्पांस तो वैसे भी सब अच्छा ही रहता है, और इस बार भी क्योंकि जिस तरह से अभी कोरोना का कहर चल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग मरीजों की सेवा कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कई सालों से ये जो वहाँ हम लोग मनाते जा रहे हैं, इस बार सिर्फ इतना ही कमी रही कि कोरोना की वजह से हम लोग अपना सोशल एक्टिविटी नहीं कर पाए, लेकिन हाँ ये बात ज़रूरी है कि मरीज लोग यहाँ आते हैं, बकायदा अटेंड करते हैं, और हमारी ये पूरी एक्सपर्ट टीम जो कि एक से एक हमारे एक्सपर्ट लोग हैं जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ, 36 साल से मैं यहाँ काम जरूर कर रहा हूँ, लेकिन सभी लोगों ने मेरे को अच्छा साथ दिया है, और तो मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल, तो आप थे डॉक्टर बी के शर्मा साहब। दर्शक, मैं आपको बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में 13.79 लाख ऐसे कैंसर के पेशेंट हैं, जिसके चलते 4,58,000 कैंसर पेशेंट की दर्दनाक मौत भी हो चुकी है। मगर जब ऐसे शहर के डॉक्टर है तो ये जो आंकड़ा है मरने वालों का कम है, और कैंसर से जो पीड़ित है उनका कैंसर अच्छा हुआ है, बशर्ते यदि आपके घर में भी कुछ इस प्रकार के कुछ पेशेंट है तो आप नागपुर के दक्षिण नागपुर के टुकड़ीजी पुतला के अंतर्गत आने वाले राष्ट्र संत टुकड़ीजी अस्पताल में आकर उस कैंसर का इलाज करवा सकते हो, बशर्ते उसके लिए आपको आना होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि यूं ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राष्ट्र संत टुकड़ीजी महाराज अस्पताल के तमाम डॉक्टरों की यही कोशिश होती है जीवन दान देने की। राष्ट्र संत टुकड़ीजी का महाराज कैंसर अस्पताल से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, NBC News नागपुर।